नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजतरीन खबरों का। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जहां सरकारी आदेश के अनुसार लोकसभा और लोकसभा सचिवालय के महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह का कार्यकाल आज से 30 नवंबर 2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। आज से नया सिम खरीदने के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। इसके तहत अब बिना केवाईसी प्रक्रिया के सिम नहीं खरीदा जा सकेगा। साथ ही यूजर को सिम खरीदने के लिए आधार कार्ड के साथ साथ अपना डेमोग्राफिक डेटा भी देना होगा। QR कोड को स्कैन भी किया जाएगा। इस कोड में नाम, पता, उम्र, जेंडर और रिलेशनशिप स्टेटस की जानकारी होती है। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके अन्य सहयोगियों पर MP MLA कोर्ट में 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में गुरुवार को बहस पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले पर कल 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। बक्सर पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे गंगा पुल पर एक ट्रक शराब जब्त किया है। जहां बताया जा रहा है कि राजस्थान से एक ट्रक शराब लेकर चालक पटना में सप्लाई करने जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने ट्रक को जब्त किया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा सेशन में लिए गए GST अमेंडमेंट बिल की तारीफ करते हुए कहा कि मान सरकार पंजाब को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए लगातार ऐतिहासिक फैसला ले रही है। आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे दिखने लगेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए आज से आवेदन करना शुरू हो जाएगा। जहां 21 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, वहीं उम्मीदवारों को HPSC की वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। वहीं यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि COP28 पेरिस समझौते के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने और जलवायु कार्रवाई पर भविष्य के पाठ्यक्रम के लिए एक रास्ता तैयार करने का अवसर है। आम आदमी पार्टी आज से 20 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर सभी 2600 पोलिंग स्टेशन पर मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी। इसमें पार्टी कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे कि CM केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार जेल से चलाई जानी चाहिए। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होते ही एग्जिट पोल आ गए हैं। जहां अधिकांश सर्वे कंपनियों ने राजस्थान में BJP को बहुमत के साथ सरकार में आने की संभावना जताई है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को रिपीट करते हुए दिखाया है, जबकि मध्य प्रदेश में BJP रिपीट कर सकती है और तेलंगाना में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। वहीं मिजोरम में खंडित जनादेश दिख रहा है। हालांकि यह एग्जिट पोल है और असली रिजल्ट 3 दिसंबर को आने पर ही साफ होगा कि कहां किसकी सरकार बनेगी। रेलवे प्रशासन घने कोहरे और खराब मौसम के कारण आज से 29 फरवरी 2024 तक कई गाड़ियों को रद्द करने का फैसला किया है। जहां छपरा से चलने वाली ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। मुंबई में 12 साल से 3,945 लोगों ने नहीं भरा है हाउस टैक्स। जहां 2236 करोड़ है बकाया। आज से BMC भेजेगी प्रॉपर्टी टैक्स का बिल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ चेतन नारायण गुट ने आज लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया है। जहां शिक्षकों के मांग को लेकर शिक्षक आंदोलन करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने ममता सरकार को भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG को अपने वित्त और खातों के बारे में हमेशा सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र सरकार ने झोपड़पट्टी में रहने वालों को नए साल से पहले ही खास उपहार दिया है। जहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के तहत बनने वाले फ्लैट के ट्रांसफर की रकम में 50% कटौती करने का निर्णय लिया है। SRA के तहत बनाए गए घरों को अब 7 साल के बाद बेचने की अनुमति देने की भी घोषणा की है। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने अपने जापान यात्रा के दौरान जापान के अग्रणी उद्योग समूह निचिकॉन कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों ने कंपनी के भारत में कार्यरत प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी साझा की।
राजस्थान के एग्जिट पोल पर सीएम अशोक गहलोत ने दी प्रतिक्रिया, कहा एग्जिट पोल में कुछ भी आए लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही की एनएसएस की सेविकाओं ने श्रमदान किया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य श्रीमती हीरा खत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा अधिवर्षिता आयु पूरी करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले उप निरीक्षक को सम्मान पूर्वक फूल माला पहनाकर और शॉल प्रशस्ति पत्र देकर भावपूर्ण विदाई दी गई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी के अयोध्या स्थित आश्रम जाकर भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आश्रम द्वारा शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। झीलों का शहर नैनीताल में फिल्म अभिनेता अभय देओल ने मॉल रोड स्थित मल्लीताल रिक्शा स्टैंड और पंत पार्क में झील किनारे कई सीन फिल्माए। इस दौरान उनके दीदार करने के लिए प्रशंसकों का तांता लगा रहा। अगले 22 दिनों तक शहर व सीमावर्ती क्षेत्रों में फिल्म की शूटिंग होनी है, जिसको लेकर फैंस में काफी उत्साह है। बता दें कि फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्शन में इस फिल्म का निर्माण हो रहा है। पश्चिम बंगाल के नदिया के राणा घाट के चकदाह में एक युवती ने फिल्मी स्टाइल में अपने प्रेमी की हत्या कर दी, जहां शूट आउट के शिकार युवक का नाम अखलाक आलम है और वह झारखंड के जमशेदपुर के नजदीक करीम नगर का निवासी था। वह शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस में 6000 कांस्टेबलों की भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 दिसंबर से आवेदन शुरू होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट egpolice.gov.in पर देखें। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में आरंभ हो चुका है। बिंदल ने आगे कहा कि भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है और इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर में इस्लाम पर आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जाने के विरोध को देखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर में निर्धारित समय से पहले ही 10 दिन के लिए सर्दी की छुट्टी घोषित कर दी गई है, जहां संस्थान अब 9 दिसंबर तक बंद रहेगा। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।